हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बाकी हैनमा सोन ऑफ द पेकल आगरे सीजन 2 एपिसोड 1 एंड 2 एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो कि एक बिल्कुल नया सीजन है जिसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। सीजन की स्टार्टिंग में हमें भी कहा जाता है बाकी को, जो कि अपना ट्रेनिंग कर रहा होता है अपने घर में, जहां पर एक मिलिट्री वाला पहुंचता है जो बाकी को बता रहा होता है इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज कौन सा है। इस सवाल का जवाब बाकी नहीं दे पा रहा होता है, तभी वो मिलिट्री वाला उसको यह न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें पिकल के बारे में लिखा हुआ होता है, जिसे देखकर बाकी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है गुफा में, जहाँ पर खोज करता हूँ उन्हें पिकल आउट एक डायनासोर को ढूंढ लिया होता है। उस चीज को देखकर वो लोग बिल्कुल हैरान होते हैं। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है साइंटिस्ट के लैब पर, जहाँ पर साइंटिस्ट बोल रहा होता है यह टू मिरेकल है, क्योंकि आइस हजारों कोच को यह गलत साबित करता है क्योंकि यह अभी भी जिंदा है। वह साइंटिस्ट उस चीज को जिंदा करने की कोशिश कर रहा होता है। वहाँ पर रही एक और बंदा वाला पूछता है क्या हम इसे जिंदा कर सकते हैं। वो साइंटिस्ट बोलता है हाँ बिल्कुल, इस चीज को हम सही इन्वॉल्वमेंट में रखने से यह जिंदा भी हो सकता है। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट पौधा है 1 लाख पर, जहाँ पर उस चीज को यानी पिकल को पानी पर रखा होता है सही एनवायरनमेंट के साथ। वाहन पर एक और साइंटिस्ट होता है, उसी के बारे में ही सोच रहा होता है क्या है चीज जिंदा भी हो सकता है, और वह वहाँ से चला जाता है। तभी उसे बहुत ही ज्यादा भूख लगने लगता है, तभी उसे आइडिया भी आता है उस डायनासोर को खाने का आइडिया पकाकर। तभी वो अंदर जाकर रोते 900 लॉकर में होता है, जिसको उस आदमी ने थोड़ा सा काट कर लेकर आने के बाद उससे पकाता है। पकड़ने के बाद उसकी खुशबू पिकल तक जाता है, जिसके वजह से वह उठ जाता है, उसे हौज आ जाता है। तभी हमें साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि मजे से उस डायनासोर की टुकड़े को कहा रहा होता है। पिर्स में पिकल को दिखाया जाता है जो कि उस एनवायरमेंट को देखकर बिल्कुल हैरान होता है। तभी हमें मैरिटर बोलने लगता है उसे इस चीजों को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है क्योंकि इन सारी चीजों की आदत नहीं थी। पिकल तभी उठ जाता है, सारी की सारी वॉइस को निकाल फेंक देता है, उसको उसके पीछे पीछे जाते हुए उस आदमी के पीछे जाकर रुक जाता है, जिसको आदमी ने देख लेता है उस चीज को। पिकल को देखकर वो बहुत घबरा जाता है। तभी पिकल उस डायनासोर की मैस को खा लेता है। खाने के बाद साइंटिस्ट के पीछे लग जाता है क्योंकि उसे और भी ज्यादा मांस चाहिए, जिससे परेशान होकर साइंटिस्ट उसको 3-3 गोलियां मार देता है। तभी उसे कुछ भी नहीं होता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सख्त है पिकल। तभी वो गोलियों को लेकर अपने हाथों से साइंटिस्ट की ओर पीकता है, एक गोली उससे लग जाता है, जिसे डर के मारे वहाँ से भागने लगता है सेफ्टी लॉकर के पास, जहाँ पर डायनासोर भी था। उस दरवाजों को खोलते ही अंदर से डायनासोर की खुशबू आने लगी। पिकल उस दरवाजे के अंदर चला जाता है, साइंटिस्ट दरवाजे को बांध कर देता है। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है लब के बाहर, जहाँ पर उस साइंटिस्ट को बूदे वाले साइंटिस्ट डांट रहा होता है। दरअसल उन दोनों के बीच में ये बातें हो रही होती है कि यहाँ पर पुलिस को कौन बुलाया, कि साइंटिस्ट का यह मानना है कि यह बात बाहर ना पता चले क्योंकि दुनिया हिला देगा, यह मानना होता है। तभी वहाँ पर थी कल दीवारों को तोड़ते हुए बाहर आ जाता है और वो सारे कारों को ता पटक करके सारी कारों को तोड़ देता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर मिलिट्री भी आती है, उनके साथ यह मशीन भी होता है, और जो कि अभी तक उस चीज को टेस्ट नहीं किया गया है, जिसको लेकर मिलिट्री वाले आ चुके होते हैं। उस मशीन को भी पिकल उठा कर फेंक देता है। पीएल कमांडर को ये बात पता चलती है कि यहाँ पर बहुत बड़ा वाला जंगली है। तभी वो उस जगह पर पहुँच जाता है और वो अपनी सारे के सारे कपड़े खोल कर रख देता है, बिल्कुल बिना कपड़े के उसके सामने जाता है। जाने के बाद फिर से हमें नारेटर बोलता है, जो कि उसकी ओर से बोल रहा होता है क्योंकि पिकल बात नहीं कर सकता, उसकी सोच को कहता है। वो उस दिन यानी वो सोल्जर के सामने पहली बार पिकल एक ना कपड़े वाला बंदे को देखकर उसे दुश्मन ना समझकर दो समझ रहा होता है। उसकी हाथ को यानी सोल्जर की आप को पकड़कर उसके साथ चलने के लिए माना लेता है। वो सोल्जर उस पिकल को जापान तक ले जाया गया, सब कुछ बोल रहे होते हैं। जापान पहुंचने के बाद पूरे के पूरे जापान में तहलका मचा चौका होता है। न्यूज में सारे के सारे लोग पिकल के बारे में ही बात कर रहे हो दी। तभी वहाँ पर एयरपोर्ट में भी कला पूछता है, जिसे देखकर सारे के सारे लोग उससे इंटरव्यू लेना चाहते हैं। यहीं पर पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। मेरी आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी, चला कहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना माधुरी है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।